स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 6, कंबजन एंड फ्लेम. व्हाट इज कंबजन? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव आउट हीट इज कॉल्ड कंबजन. कंबजन उस प्रोसेस को, उस केमिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ रिएक्शन करके हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है. जस्ट एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग ओपन एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म. इन दिस केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विद डेजलिंग लाइट एंड फॉर्म्स वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबजन रिएक्शन. And burning of carbon in the presence of oxygen is also a combustion reaction. Fuels. The substances that undergoes combustion is said to be combustible substance. ऐसे substance जो combustion reactions में help करते हैं, आसानी से जलते हैं, that is known as combustible substances. It is called a fuel. Combustible substances are also known as fuel. Fuel एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. जो फ्यूल होते हैं, जिन फ्यूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, घर में भी यूज करते हैं, जस्ट एज LPG, केरोसिन ऑयल, etc. आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स. सो फ्यूल्स आर ऑफ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स: सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैशियस फ्यूल्स. द डायग्राम गिवन बिलो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, जस्ट एज वुड, काउ डंग, कोल एंड चारकोल. These are the examples of solid fuels: kerosene, hydrogen, diesel, ethanol, petrol are the examples of liquid fuels. And the fuels that exist in gaseous form is known as gaseous fuels. Just example, LPG, CNG, biogas and coal gas are the examples of gaseous fuels. Dear students, our next topic is types of fuels. Thanks.